रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। गुजरात में कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा की और कुछ करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया और फिलहाल हम मौजूद है गांधीनगर में सत्याग्रह छावनी मैदान के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक एक करके कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर उमड़ रहे हैं और राज्य के अंदर चाहे किसानों की बात हो, महंगाई की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, सभी मुद्दों पर आज राज्य सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये आयोजन किया गया और यहां पर सभी विधायक हैं जो एक एक करके यहां पर उमड़ रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक वीरजी भाई ठुमर। वीरजी बताइए क्या है आज का पूरा प्रोग्राम? गुजरात के लोगों में एक रोष चल रहा है, इतना रोष ज़्यादा बढ़ा है, किसान भी आज आत्मविलोपन की ओर जा रहा है, स्टूडेंट जो होशियार है उनको ये पेपर लेक करके उनको भी जो मौका मिलना चाहिए मौका नहीं मिल रहा है, युवाओं में भी रोष है, महिला के ऊपर रेप हो रहा है, पूरे देश में रोष है। गुजरात एक मॉडल स्टेट बीजेपी का था लेकिन वो टूट चुका है। गुजरात की उम्मीदें जी थी वो उम्मीदें भड़का भड़का के वो जीत गए थे लेकिन आज ये उम्मीदें टूट गई है, इसलिए लोगों का एक रोष गुजरात की विधानसभा में घेराव करके हम दिखाना चाहते हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पुलिस अपना सिविल कोड तोड़ के सबको रोक रही है, साउथ गुजरात से नॉर्थ गुजरात से आने वाले सब पब्लिक को रोक दी है, गांधीनगर तो पूरा कवर कर दिया है। ये क्या है, अंग्रेज शाही में भी ऐसा नहीं चल रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? तो गुजरात गांधी का गुजरात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है, अंग्रेजों को भी निकाल दिया है तब भाजपा की कोई ताकत नहीं है वो गुजरात को बचाने के लिए। हम कांग्रेस जो भी करना है आज किस मुद्दे पर सरकार को करेगी, आप जहां से प्रतिनिधित्व करते हैं कौन से ऐसे मुद्दे और खासतौर पर पुलिस की ओर से जो कार्यवाही की जा रही, कार्यकर्ताओं को अटकायत की जा रही, उस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? हमारे जो किसानों के प्रश्न हो, एजुकेशन के हो, युवाओं के एग्जाम के लिए हो, महिला सुरक्षा के लिए हो, वो हमारा मुद्दा विधानसभा में होगा और आने वाले समय में हम लोगों के साथ रहकर वो न्याय दिलाने के लिए हम उसके साथ लड़ेंगे और आने वाले समय में जो उसको विद्यार्थी हो, महिलाएं हो, किसान हो, उसको न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में हम साथ रहकर उसको न्याय दिलाने की पूरी ही पूरी कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर आप कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, विधायक है, सभी यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज विधानसभा की और कुछ की जाएगी। हाल ही में जो बिन सचिवालय की भर्ती परीक्षा ली गई थी वो मुद्दा सबसे यहाँ पर बड़ा मुद्दा है क्योंकि लाखों स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी जिसके अंदर भर्ती पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद जो छात्र है वो सड़कों पर उतर चुके थे और आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सरकार को घेरने के लिए यहाँ पर रणनीति बनाई है। हालांकि जो कार्यकर्ता अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं उन सभी को पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, इसको लेकर जो है कांग्रेस के विधायक यहाँ पर नाराज दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ गौतम जोशी, गुजरात, गांधीनगर।